तीन राज्यों में चुनाव आज काउंटिंग हो रही है, तीनों में कांग्रेस कहीं तक नजर सर क्या किस तरह से? देखो, तीनों राज्यों के अंदर जो काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग के अंदर अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। जैसे मेघालय के अंदर हम जो है हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है, और जब काउंटिंग पूरी होगी तब पता लगेगा। वैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को बरगलाने का जो काम किया है वो लंबा नहीं चलेगा। भाई को भाई से लड़ाने का, नफरत फैलाने का, आपस में मनों में कटुता पैदा करने का जो चला है, ये षड्यंत्र ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर यही हिंदुस्तान की जनता एक तौर संगठन से इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। अमित शाह जी, सभी ने, नड्डा जी ने, सबने वो प्रचार किया है, कांग्रेस की तरफ से ना के बराबर हुआ है, उसको भी कुछ मानते हैं सर? देखो, कांग्रेस का जो अभी महाधिवेशन हुआ उसमें नेताओं ने बैठ के, सारों ने, हिंदुस्तान के हमारे सारे नेताओं ने बैठ के चर्चा करी और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करी। आने वाले समय के अंदर जो हिंदुस्तान की राजनीति है उस राजनीति को एक नई दिशा देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उन्होंने एक राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया, और आने वाले समय के अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनके नेतृत्व के अंदर पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से, एकता और संगठन से काम करेगा और आने वाले समय के अंदर इसका रिजल्ट भी मिलेगा। सर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव, विधानसभा चल रही है, उसमें गुलाब सिंह कटारिया जी राज्यपाल बन गए हैं, अब तक उनके पास कोई भी पक्ष का नेता नहीं है, उसके लिए सर ये तो भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। आज विपक्ष की भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी निभा रही है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, वो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे हैं, वो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में कोई ऐसा इश्यूज नहीं है राजस्थान के अंदर। पिछले 4 सालों के अंदर, चाहे बजट देने की बात हो, चाहे अन्य विकास के कामों को करने की बात हो, चाहे लोगों के अंदर एक आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है। बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर विधानसभा के अंदर कोई सरकार को घेर सके, और आज उनके पास में प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। आपने देखा होगा पीछे भी 1.5 साल से इनके संगठन का अध्यक्ष नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा था, तो आज इनको तुरंत जो है प्रतिपक्ष का नेता उसी वक्त में गुलाबचंद कटारिया जी को महामहिम बना दिया, तो उसके बाद में तुरंत घोषणा करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के अंदर इतनी कलह है, राजस्थान के अंदर एक दूसरे के साथ में बैठ नहीं रहे, इतनी आपस में खींचातान है, इतनी आपस में कलह है, और इस कलह और खींचातान से राजस्थान की जनता उब चुकी है। और अभी हमने जो बजट दिया उस बजट के अंदर हमने पहले ही प्रदेश के युवाओं को हमने कह दिया था कि ये आने वाला जो बजट है वो बजट युवाओं के विकास के लिए, युवाओं की प्रगति के लिए ये बजट होगा, और बजट हमने जब पेश किया पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित था। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि 8 महीने हमारे पास में बचे हैं, उन 8 महीनों में इस बजट को हमें धरातल पर उतारना है, तो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं कि इस 8 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा बजट हम धरातल पर उतार कर और राजस्थान के युवाओं को एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा देने का काम ये बजट करेगा। पिछला बजट हमने पेश किया उस वक्त में हमने ये कहा था कि ये बजट जो है पूरा का पूरा किसानों से समर्पित है, तो पिछला बजट जब हमने पेश किया तो उसमें करीब 78,000 करोड़ रुपये हमने प्रदेश के किसान की विभूति और प्रदेश के किसान की मजबूती के लिए उस बजट के अंदर हमने प्रावधान किए। आज वो धरातल पर उतर रहे हैं और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो रहा है।